हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं यहाँ पर आज मूंग दाल का कुछ बनाने के लिए आपके पास लेके आई हूँ। तो ये छिलके वाली मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल। तो हम इसकी बनाएंगे मूंग दाल की तरी वाली सब्जी, ठीक है। या आप मूंग दाल की दाल भी बोल सकते हैं, बट आपने बहुत सारी खाए होंगे राइट, लहसुन से छौकी हुई और सिंपल। ये थोड़ी तरी वाली है जिसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, किनवा के साथ भी खा सकते हैं, दाल और रोटी चपाती पूरी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसी बनेंगी ये सब्जी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कटोरी मूंग दाल धो के भिगोई नहीं, मीन्स 5 मिनट हुआ है, बस भिगो के रखी है एक कटोरी मूंग दाल। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ी सी टर्मरिक, एक कलमी का टुकड़ा और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। तो अब हम यहाँ पर प्रेशर कुक में 8 मिनट्स के लिए लगाएंगे और ये कीप वॉर्म हटा देंगे। ये ऑन है, ये मैंने ऑफ कर दिया। आप इसे चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं और आप उसमें 3 सीटी लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, तेज़पत्ता हो गया। अब थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। जीरा होने के बाद मैंने चॉप किया हुआ लहसुन रखा है, 2 बड़े चम्मच हम लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ जिंजर है, तो हम जिंजर भी डालेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, मुझे बेटर लगता है थोड़ा चॉप किया हुआ, टेस्ट और अच्छा आता है। देखिए, ये गोल्डन हो चुके हैं हमारे जिंजर गार्लिक। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, अब वो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे टमाटर उधर हो रहे हैं, तब तक मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ थोड़ा सा प्याज, हाफ प्याज भून लिया है और थोड़े से नारियल। तो ये नारियल मैंने रोस्ट कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो कुछ 10-12 पीस बड़े वाले लिए और उसको फिर मैंने तोड़ लिया और उसको भुना। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए टमाटर यहाँ पक गए हैं और टमाटर ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, धनिया 1 से 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर, देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आया है। अब हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने पीसे थे। अब हम मसाले को थोड़ा अच्छे से भूनने देंगे ताकि मसाले में और ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो हम इसे चलाते रहेंगे हर 2-3 मिनट में ताकि वो जले ना। तो फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं मसाला अच्छे से हमारा भून गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा क्रश कर लेंगे ऐसे हाथों से। कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू और स्वाद आता है इसमें। हमारे मसाले में पूरा तेल छोड़ चुके हैं। अब हम इसमें अपनी दाल डालेंगे जो मैंने बताया था आपको, मैंने इंस्टा पॉट में की है, पूरी पक चुकी है। अब मैं ये दाल डाल दूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, ठीक है। नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें, तो नमक नहीं डलेगा। थोड़ा गरम मसाला, बस मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है। अब हम इसे बॉईल होने देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसी बढ़िया तरी वाली हमारी मूंग दाल की तरी रेडी है। आप चाहें तो इसे और थोड़ी गाढ़ी भी रख सकते हैं, ठीक है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, धनिया पत्ती डलेगी अब। तो फ्रेंड्स, मेरी मूंग दाल वाली तरी रेडी है। उसे मैं बना रही हूँ किनवा राइस के साथ, खाने वाली हूँ किनवा राइस के साथ। देखिए, मैंने ये किनवा राइस बनाया है और थोड़े से ओनियन रखे हैं और अब मैं डालने वाली हूँ अपनी तरी वाली सब्जी। तो फ्रेंड्स, मेरी तरी वाली सब्जी तो बहुत मस्त लग रही है, लेट मी ट्राई। बहुत ही यम्मी है, थोड़ी चटपटी है और आप किनवा के साथ बनवा लीजिए, मज़ा आ जाएगा।
देखिए, आपने कढ़ीर चावल खाए हैं, राजमा चावल खाए हैं, छोले चावल खाए हैं, मूंग दाल की तरी के साथ किनवा नहीं खाया होगा। एक बार ट्राई कीजिए, हमेशा खाते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर माई वीडियो, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज। बाय।